गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। यस्टरडे आई हैव स्टार्टेड एडवर्ब। आई टोल्ड यू डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब इज अ एक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो क्रिया को विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बतलाते हैं कि एक्शन किस तरीके से हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, किस समय पर हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है, उसी को एडवर्ब बोलते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एडवर्ब: एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर, इट शोज द मैनर इन विच एक्शन टेक्स प्लेस। यह दिखाता है, यह बताता है कि एक्शन किस तरीके से, किस प्रकार से हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। यह दूसरे शब्द हम लोग कह सकते हैं, या इसका पता कैसे लगा सकते हैं, क्वेश्चन में हम लोग हाउ और ऐड करेंगे। जब हाउ को ऐड करके क्वेश्चन करेंगे तो किस प्रकार से वो कौन सा एडवर्ब है पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सी रैन फास्ट, वह तेज दौड़ी थी। रैन फास्ट इज ए फास्ट टेंस, फास्ट इंडेफिनिट। सी रैन फास्ट, वह तेज दौड़ी थी। अब इसमें जब पता लगाना है कि एडवर्ब क्या है, इंडियन सेंटेंस, हाउ डिड सी रन, वह कैसे दौड़ती थी या कैसे दौड़ी थी। यहाँ पे आंसर जब इसका आएगा, सी रैन फास्ट, वो तेज दौड़ती थी। सी रैन फास्ट, वो तेज दौड़ी दौड़ी थी। यहाँ पर स्लो भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है, मतलब उसके रनिंग को, रनिंग क्या है, रन यहाँ पे एक वर्ब है। इसकी जो विशेषता बता रहा है या इसके बारे में जो बता रहा है, वही एडवर्ब। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई रोट द वर्ड करेक्टली। आई रोट द वर्ड करेक्टली, मैं शब्द को सही तरीके से लिखा था। अब इस सेंटेंस में हमको जब एडवर्ब को पता लगाना है तो हाउ को ऐड करेंगे, हाउ से क्वेश्चन करेंगे, हाउ डिड आई राइट द वर्ड, मैंने शब्द को कैसे लिखा था। इसका आंसर आ जाए, आई रोट द वर्ड करेक्टली। इन दिस सेंटेंस, करेक्टली इज द एडवर्ब। वर्ड कैसे हैं, करेक्ट हैं, इनकरेक्ट हैं, जो भी बता रहा है वो एडवर्ब। नाउ सेकंड टाइप, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय का विशेषण। जिस सेंटेंस में समय की विशेषता बताया जाए, विशेष बारे में बताया जाता है, उस समय का इम्पोर्टेंस होता है, इसी को हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। इट शोज द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द एक्शन। इन दिस सेंटेंस, यह बताता है एडवर्ब ऑफ टाइम, इट शोज द टाइम ऑफ द हैपनिंग ऑफ द एक्शन। यह एक्शन के, कार्य के होने का समय के बारे में बताता है। द इन अदर वर्ड्स, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। अगर हम लोगों को ये पता लगाना है सेंटेंस में कि कौन सा वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम लोग व्हेन से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कोच अराइव्ड अर्ली। द कोच अराइव्ड अर्ली, कोच अराइव्ड अर्ली, कोच जल्दी पहुंच गया था। तो कोच कब पहुंचा था, when कब, when did the coach arrive, कोच कब पहुंचा था। जब उसको आंसर करेंगे, द कोच अराइव्ड अर्ली, कोच समय से पहले, मतलब अर्ली मतलब जल्दी पहुंच गया था, कोच जल्दी पहुंच गया था। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, राबिया गोज फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। राबिया मॉर्निंग वॉक डेली जाती है, प्रत्येक दिन जाती है, रोजाना जाती है। तो इसमें हम लोग पता करेंगे एडवर्ब का क्या है, व्हेन से क्वेश्चन करेंगे, व्हेन डज राबिया गो फॉर मॉर्निंग वॉक। राबिया मॉर्निंग वॉक के लिए कब जाती है, इस पे जब आंसर आएगा तो डेली जाती है। इन द सेंटेंस, डेली इज द एडवर्ब। टुडे ओनली टू काइंड्स, रिमेनिंग काइंड्स एडवर्ब ऑफ प्लेस आई विल बी टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। टुडेज होमवर्क इज राइट काइंड्स ऑफ एडवर्ब इन योर कॉपी एंड लर्न। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।